कटनी दोपहर 1 बजे के करीब शाह के आगमन पर कटनी जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा के मार्गदर्शन में यूथ जिलाध्यक्ष लकी सिंह रावत के नेतृत्व में पन्नानाका एवं रेलवे स्टेशन से पार्टी कार्यालय तक स्वागत बाइक रैली निकाली गई। गर्मजोशी के साथ स्वागत कर यूथ विंग द्वारा शहर में रैली के आयोजन किया गया। बाद में आम आदमी पार्टी जिला कटनी कार्यालय में कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी में पार्टी के संगठन को मजबूत करने व विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए अपराध घटित होना शहर में बताया। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए भ्रष्टाचार का जिक्र चरम सीमा पर मध्य प्रदेश में है, इसको भी कहा, जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप शाह ने बताया कि सरकारी आंकड़े के अनुसार मध्य प्रदेश में 50 लाख युवा बेरोजगार है, जबकि यह आंकड़ा फर्जी है। प्रदेश में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश के हर तीसरे घर में पढ़ा लिखा इंजीनियर डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है, बेरोजगार बच्चा मिलेगा। अब प्रदेश का युवा शांत नहीं बैठेगा, बल्कि भाजपा सरकार के जन विरोधी, नौजवान विरोधी, किसान विरोधी एवं संपूर्ण युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा और जन आंदोलन करेगा। साथ ही शाह ने यह भी बताया कि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में भी पार्टी को अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे अब हमें राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा मिलेगा और आगामी मध्य प्रदेश चुनावों में भी नगरीय निकाय स्तरीय पंचायत चुनाव व विधानसभा चुनाव मजबूती से हम लड़ेंगे और विधानसभा की अधिक से अधिक सीटें लाने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज मेरा तीसरा जिला है मध्य प्रदेश के अंदर। इसके पहले हम कटनी शहडोल में थे, शहडोल के व्यवहार में कल मेरा कार्यक्रम लगे हुए थे, फिर मध्य प्रदेश के भ्रमण पे हम निकले हुए हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है या इसके पहले जो कांग्रेस की सरकार थी या इस कोरोना काल के समय में भी मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को व्यापक स्तर पर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और आज नौजवान रोजी के लिए, रोटी के लिए, नौकरी के लिए दर दर के ठोकरे खाने के लिए मजबूर है। मध्य प्रदेश की सरकार का जो सरकारी आंकड़ा है, वो सरकारी आंकड़ा कहता है मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे बेरोजगार, जो उनके वेबसाइट पे दर्ज है, वो कहता है 50 लाख से ऊपर के पढ़े लिखे नौजवान युवा बेरोजगार है, जिनके पास नौकरी काम धंधे नहीं है। लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये सरकारी आंकड़ा इनका झूठा है। मध्य प्रदेश के अंदर हर तीसरे से चौथे घर पे एक पढ़ा लिखा इंजीनियर मिलेगा या हाई लेयर का ग्रेजुएशन किया हुआ बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा हर तीसरे चौथे घर पे बेरोजगार बैठा हुआ है। उन पूरे मध्य प्रदेश के तमाम युवाओं को हम आह्वान करना चाहते हैं, उन सभी युवाओं को हम लाभान्वित करेंगे और मध्य प्रदेश सरकार को मजबूत करेंगे, आने वाले समय में सभी बेरोजगार भाइयों को रोजगार देने का ये सरकार काम करे। देखिए, मेरा ये चूँकि संगठन का भी काम चल रहा है, संगठन विस्तार का काम चल रहा है और आने वाले समय में मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी मजबूती से कटनी के अंदर एक संगठन, बड़ा संगठन खड़ा हो चुका है। पर मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं नगरीय निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चुनाव दिन पे दिन टालते जा रही है। जो 5 साल का कार्यकाल होता है, 7 साल का कार्यकाल हो गया, 8 साल का कार्यकाल हो गया, पंचायतों का चुनाव हो या नगरीय निकाय का चुनाव हो, दोनों चुनावों को टाल रहे हैं और ये संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हम मांग भी करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से जल्द चुनाव कराएं, ताकि जो लोग हैं, जो संवैधानिक जिनका अदारा है, उस जगह पे पहुंचे और गांवों का, नगर का विकास करने में एक अहम भूमिका अदा करें। मध्य प्रदेश के अंदर आगामी जो 2023 की विधानसभा का चुनाव है, उसमें आम आदमी पार्टी 230 के सभी विधानसभा सीटों पर हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आने वाले 10 तारीख को आपको देश के अंदर एक विकराल, एक बड़ा जो आज पूरे नेशनल लेवल पे देश के अंदर कांग्रेस डूबती हुई नैया है, कांग्रेस खत्म हो रही है, उसके जगह पे आम आदमी पार्टी विकल्प बनेगी, विकल्प बन रही है और पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, उत्तराखंड के अंदर मजबूती के साथ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, गोवा के अंदर भी। कटनी से प्रवीण कुमार पारेश्वर की ये रिपोर्ट।